हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग रेडमी नोट 13 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को आप कैसे चेंज कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप फ़ॉन्ट की सेटिंग्स पे जाकर फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को आप चेंज कैसे कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह आप चेंज कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं इस तरीके से, तो इसमें से आपको जाना है स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को चेंज कैसे कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, और फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह आप कैसे बदल सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है। तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स को आप चेंज कैसे करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है डिस्प्ले सेटिंग्स। तो डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर जो भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली फ़ॉन्ट सेटिंग्स पे जाना है। तो फॉन्ट सेटिंग्स पे जाकर आप जो भी फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी फॉन्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं कोई भी फॉन्ट स्टाइल, तो इस तरह से यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और माई अकाउंट पर जाकर यहाँ से भी आप फॉन्ट सेटिंग्स पर जा सकते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और जब आप अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके फॉन्ट स्टाइल शो करेगा आपके स्क्रीन पर। तो इस तरीके से फॉन्ट स्टाइल्स को अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो